चलिए बैठ जाइए आप लोग। हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, और अवकलन स्टार्ट करने से पहले उसके सभी फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स होता है किसी भी नंबर का, डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी नंबर का, जैसे के लिखा है, इसका कितना होता है अवकलन? जीरो। कितना होता है? जीरो। डी बाई डी एक्स, ये सब फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का बताइए? सेक स्क्वायर एक्स। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का बताइए? सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, क्या होगा? माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ठीक। अच्छा, ये हो गए। इसके बाद होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स। ये इतने फार्मूले। इसके बाद जो फार्मूले यूज होंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और सारे फार्मूले देखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, किसी भी नंबर का अवकलन क्या होगा? जीरो। कुछ भी होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कितना ले लें? 1000। कितना अवकलन होगा? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कोई नंबर आए, ए ए बी सी आर है ए, तो इसका भी क्या होगा? जीरो। ठीक। ये किसी भी नंबर का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? जीरो, शून्य होना है। ठीक। इसके बाद देखते हैं, ये पहले वाले फार्मूले पर हो गया। ठीक। दूसरा वाला देखते हैं, जैसे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव। ठीक। तो ये फाइव जो है ये एन है, तो एन आगे आएगा और एक्स की पावर में से कुछ एक घट जाएगा। ठीक। तो कितना आ जाएगा? फाइव एक्स की पावर फोर। आइए बताइए, एक्स की पावर लिखा है, एक्स की पावर लिखा है थ्री, कितना आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर। ये कंफर्म है बिल्कुल? यस सर। प्रदीप जी ये बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हंड्रेड लिखा है, क्या आएगा? हंड्रेड सामने आएगा और एक्स की पावर 99। प्रदीप जी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर ऐसे पूछे ना बता पाई। एक्स की पावर मान लीजिए लिखा है 60, तो कितना होगा? 6। ये बताइए 60 एक्स की पावर 60 माइनस 59, ये पूरा बताइए। ठीक। ये दूसरे पर हो गया। ठीक। अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई नंबर पहले आ रहा है उसके बाद एक्स लगा हुआ है, एक्स की पावर थ्री लगा है, फोर लगा हुआ है, ये कौन, ये सब ये हो गया इतना, ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन ये। ठीक। अब जैसे लिखा हुआ है एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स की पावर थ्री, प्रदीप जी फाइव बाहर आएगा, कांस्टेंट है, कहाँ आएगा? बाहर आएगा, तो फाइव बाहर आ गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है? एक्स की पावर थ्री का, किसका करना है? एक्स की पावर थ्री का। तो बस ये फाइव आएगा, बाहर ही रहेगा आपका, इसका कितना हो जाएगा? थ्री एक्स के पावर टू, क्योंकि इतना ही का ही करना है, पांच तो बाहर है, तो एक्स के पावर थ्री का एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो तीन, और एक्स के पावर तीन माइनस एक तो दो। क्लियर है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ हंड्रेड एक्स की पावर मान लीजिए 15। ठीक। क्या आएगा? 100 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, बाहर आएगा,
डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स के पावर 15 का, कितना आ जाएगा 100, 15 बाहर, एक्स के पावर 14, गुणा करा दीजिए कितना आ जाएगा 1500 एक्स के पावर 14, ठीक है ये हो गया। इतना पहले आप लोग ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत प्रदीप? कोई दिक्कत नहीं। अगला बात करेंगे ई की पावर एक्स अगर आता है तब, ई की पावर एक्स मिटा दूं इसको पूरा, चलिए मतलब एक्स की पावर एन कन्फर्म हो गया, और कोई नंबर आएगा कोई संख्या आएगी, केवल संख्या रहेगा तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है क्लियर है बिल्कुल ना। फार्मूला रहने देते हैं ठीक। अब बात करेंगे जैसे ई की पावर एक्स पर, जैसे मान लीजिए कि कोई डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स अगर रहता है, इतना एक्स की ई की पावर एक्स रहता है तो इसका क्या होता है ई की पावर एक्स, ये कन्फर्म है। मान लीजिए कोई नंबर आ गया रहा है, 5 आ गया, ई की पावर एक्स है, 5 बाहर आ जाइए, किसका अवकलन होगा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, क्या आएगा 5 ई की पावर एक्स, कोई कष्ट? ठीक। अगला मान लीजिए लिखा है डी बाई डी एक्स 100 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से रखना है अभी, अभी वो दूसरा है जब 3x 4x आएगा तो, ठीक तो इसका कितना आ जाएगा 100 डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स 100 ई की पावर एक्स इज द आंसर। पावर चढ़ेगा तो उसके अभी हम बता नहीं रहे, अभी ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक शुरुआत चल रहा है ठीक। चलिए ये भी कन्फर्म है प्रदीप, कन्फर्म है, कन्फर्म है। चलिए ये हो गया बेसिक बिल्कुल छोटा छोटा ठीक। अब जैसे मान लीजिए लिखा है ये इतने फार्मूले हैं, इस पर और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे साइन के साथ अगर कोई आएगा, कोई नंबर आएगा, मान लीजिए साइन के साथ आ गया 5 साइन एक्स, तो 5 बाहर, साइन का क्या होगा कॉस एक्स। मान लीजिए आया है 7 सेक एक्स, 7 सेक एक्स, 7 बाहर, सेक का क्या हो जाएगा सेक एक्स, टेन एक्स सेक। मान लीजिए आ रहा है 15 टेन एक्स, 15 बाहर, सेक 15 सेक स्क्वायर एक्स, कन्फर्म है ठीक है ठीक। हाँ बिल्कुल। अच्छा मान लेते हैं कि जैसे कोई अगर इसमें से फार्मूला बन रहा है तब तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दे दिया प्रदीप जी कि डी बाई डी एक्स, इसको समझिएगा ध्यान से, डी बाई डी एक्स साइन दे दिया आपको 2x, क्या दे दिया साइन 2x। अब ये बताइए कि साइन एक्स का ना अवकलन हमको पता है कॉस एक्स होता है, ये थोड़ी पता है कि हमको साइन 2x का थोड़ी पता है। तो जिसका नहीं पता रहता उसको टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टी। तो यहाँ पर किसको टी मान लेंगे, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे, उसके बाद मन में ही टी मानेंगे वहीं पर कर देंगे, क्लियर है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो हमने कहा माना, क्या माना 2x बराबर टी, कोई दिक्कत प्रदीप भाई? नहीं दिक्कत है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, तो हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, टी है तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया डी टी का मल्टीप्लाई और डी टी का डिवाइड। अब कोई दिक्कत प्रदीप जी? नहीं दिक्कत है। हम इसको आपस में इंटरचेंज कर दें, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी साइन टी इंटू का डी टी बाई डी एक्स, हमने इसको बदल दिया, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है सची। अब देखिए यहां भी टी है, यहां भी टी, अवकलन हो जाए साइन टी का कॉस टी, साइन टी का कॉस टी। अच्छा अब यहां देखिए आपने माना है 2x बराबर टी, इसका अवकलन जरा करके बताइए हमको, अवकलन करिए। देखिए 2x के बराबर टी है तो हमको दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स, 2 आ जाएगा बाहर, 2 कहाँ आएगा बाहर, और x का अवकलन कितना होता है 1। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए x का अवकलन कैसे निकलेगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, x के पावर 1 है ना है, तो x के पावर 1 है मतलब n है, n मतलब 1 है, तो 1 है तो 1 आएगा बाहर, और x के पावर 1 में से 1 चल जाएगा, घट जाएगा,
तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 और समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की पावर 0 क्या आ गया 1 आ गया। तो मतलब आप ये याद कर लेंगे कि x का अवकलन कितना होता है 1, x का अवकलन 1। तो यहां पर 2 बाहर आएगा तो x का अवकलन करना पड़ेगा ना, तो x का अवकलन 1 और बराबर dt बाई dx। अब देखिए ये आप पहले ही कर लेंगे, जैसे जिसको भी t आप मानेंगे उसको तुरंत वहीं पर अवकलन करके लिख लेंगे कि dt बाई dx कितना आने वाला है, ठीक। अब यहां पर देखिए sin t का क्या होता है अवकलन, cos t, तो ये हो जाएगा मेरा cos t इंटू का dt बाई dx का मान निकालने कितना है 2 है, तो संख्या आगे लिखी जाती है तो 2 आगे आ गया और cos और t का थोड़ी पूछ रहा था, पूछ रहा था x के टर्म में, तो t बराबर क्या माने 2x। प्रदीप जी कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए भाई ये पहला क्वेश्चन है टी। हाँ बिल्कुल, अभी एक दो क्वेश्चन आप ऐसे सीख लीजिए कैसे टी माना जाता है, जिससे जो नए लोग हैं वो सीख जाएंगे, ठीक। इसके बाद जब बड़े क्वेश्चन में आएंगे तो डायरेक्ट मान के करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, दूसरा लिखा मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कास थ्री एक्स, कास थ्री एक्स, अगर कास एक्स होता तो सीधे कह देते माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत, अगर केवल कास एक्स होता तो हम कह देते माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां पर क्या है तो जिस कास थ्री एक्स, तो थ्री एक्स को क्या मान लिया जाएगा, और जिसको टी मानेंगे उसका एक बार अलग से भी करते हैं लेकिन अभी इस मेथड से करेंगे, ठीक। तो हमने क्या कहा, माना क्या माना थ्री एक्स इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन नहीं कर लें, तो देखिए अवकलन करेंगे तो टी तीन बाहर आएगा और एक्स का बताया कितना 1, तो वो खत्म हो गया बराबर डी टी बाई डी एक्स, अवकलन हो गया ना। अब इसको देखो टी माना गया है तो डी बाई डी एक्स कास टी और डी टी का मल्टीप्लाई डी टी का डिवाइड, इंटरचेंज हो जाएगा बदल जाएगा तो क्या आएगा डी बाई डी टी कास टी इंटू का डी टी बाई डी एक्स, कास टी का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी और डी टी बाई डी एक्स निकाले हैं ना 3, लेकिन हमको टी के रिस्पेक्ट में टी में थोड़ी लाना था, किस में लाना था एक्स में, तो टी का क्या करेंगे मान रख देंगे, मान रख देंगे क्या हो जाएगा माइनस 3 आगे लिख लेते हैं और साइन 3x, कोई दिक्कत प्रदीप जी, कोई दिक्कत पीछे नहीं, जैसे अब देखिए कहीं पर लिखा होता लिखा रहता है 2x, कहीं x2 नहीं लिखा रहता है मल्टीप्लाई में, तो नंबर पहले नान वे, ये अचर है ये चर है, तो अचर पहले चर बाद में, कोई दिक्कत बेटा, चलिए ये भी कंफर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि इन्हीं क्वेश्चनों को अगर हमको बाद में करना होगा, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में लॉन्ग में आ रहा है तो ये तो खुद ही एक क्वेश्चन है, अगर बीच में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम मन में ही कर लेंगे, कैसे मन में करेंगे देखिए, मिटा दूं इसको, कोई दिक्कत, फॉर्मूला भी रहने देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए लिखा है d by dx of sin 2x, वही क्वेश्चन है sin 2x, तो आप कैसे करेंगे, sin 2x लिखा है तो 2x को t मानना है तो क्या हो जाएगा sin t, तो sin t का कर दीजिए और जिसको t माने हैं उसका एक बार अलग से भी कर दीजिए, नहीं समझ में आया, तो कैसे करेंगे sin t का है यहां लिखा है sin t, ये अब मन में ये क्या है टी है, तो साइन टी का कास टी नहीं लिखना है, टी की जगह पे मान रखना है, टी की जगह पे मान रखना है और जिसको टी माना गया है उसका एक बार अलग से करना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा कॉस टू एक्स और टू एक्स का क्या आ जाएगा टू बाहर आएगा, एक्स का 1 आ गया, टू कास टू एक्स। अब सारा क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे क्यों प्रदीप, जैसे d by dx sin 2x, sin 2x है sin 3x, तो sin 3x इसको क्या मानेंगे t, तो क्या हो गया sin t का cos t, और जिसको t माना गया उसका एक बार अलग से चिपका देंगे, ठीक। तो cos 3x into का 3x का क्या आएगा, तो मतलब कि 3 पहले cos 3x बाद में,
कोई दिक्कत? नो सर। आकाश बताएंगे। आकाश अगर लिखा है d बाई डी एक्स आप कास 5x बता दीजिए। 5x t मानेंगे। आकाश हो आप, आकाश बताएंगे कास 5x, 5x को मान लिया t, तो हो गया कास t, तो कास t का क्या होता है? माइनस साइन टी, कास टी का माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी मतलब माइनस और साइन और टी मतलब 5x, जिसको टी माना गया है उसका एक बार अलग से करना है, तो डी बाई डी एक्स आप 5x, आप सोचना भी नहीं है, 5x का 5 बाहर, x का 1, तो यहाँ 5 बाहर, माइनस 5 साइन 5, बहुत तेज लड़का आकाश, नहीं खट से बता देता है, ठीक। अगला देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों समझ में आया? पहला दूसरा ये तीसरा, दूसरा कहाँ है? यहाँ दूसरा और तीसरा ये रहा, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, यार हमको ई की पावर x का पूछा जाता तो मैं ढाई से बता देता ई की पावर x, लेकिन ऊपर है 2x, तो 2x को क्या मान लिए? t, e की पावर t, तो e की पावर t का क्या होता है? e की पावर t, जिसको t माना जाता है उसका एक बार अलग से भी अवकलन किया जाता है, ठीक। अब जैसे इसको मान लिया e की पावर 2x है, तो ऊपर हो गया t, तो e की पावर का होता है e की पावर t, और जिसको t माना जाता है उसका एक बार अलग से किया जाता है, तो e की पावर x का e की पावर 2x का 2 रह जाएगा, और 2x का क्या हो जाएगा? 2, इधर लिख लें 2 मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया आंसर? मतलब इससे आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि अगर फार्मूला रहेगा तब तो फट से बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो जिसका नहीं पता है उसको क्या मानना है? टी, और टी मान के कर देना है अवकलन, और जिसको टी माना जाएगा उसका एक बार अलग से भी चिपका देना है। क्लियर है क्लियर। प्रदीप जी, ठीक है, आगे देखते हैं भाई, मिटा दो इसको, ये था बेसिक बिल्कुल, इसके बाद बुक का क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। फार्मूला याद हो गया होगा? मिटा दो, अब याद होना चाहिए भाई फार्मूला। प्रदीप जी कैसे जी, हमारा नाम ले रहे हैं आप बार बार, अन्य लोगों का नहीं ले रहे हैं। चलिए भाई सचिन, पहला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5? सर हमको यक्स साइन एक्स का पूछा जाता ना, ये कौन सा है? 5.2 का पहला क्वेश्चन है, 5.2 का पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमको साइन एक्स का पूछा होता सर जी ढाई से बता देते कास एक्स, लेकिन जिस इसका तो नहीं पता है ना, साइन एक्स का पता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पता नहीं है, इसको क्या मानेंगे प्रदीप? टी, क्या मानेंगे? टी। अब मान लोगे कि माना जाए, माना जाए, आप मानेंगे नहीं इस बात को? चलिए मान लीजिए, अच्छा चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लेते हैं माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, ठीक। तो अब मान लिए टी तो अवकलन कर ही दें, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका क्या आता है? 2 बाहर, आप लिख सकते क्या क्या लिखने के लिए? लिख दीजिए भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डैश भी लगा दीजिए अच्छा लगेगा क्यों प्रदीप जी? एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 2 बार, अच्छा एक ऐसे कर ही लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर डी टी बाई डी एक्स, बाई टी का करेंगे डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आ गया? 2 बाहर, एक्स के पावर 1, 1 नहीं लिखेंगे, 5 का क्या हो जाएगा? 0 बराबर डी टी बाई, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। आपने इसको t माना है, तो आप कहेंगे सर जी इसका लिखेंगे ना अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन टी, अवकलन हो नहीं पाएगा क्योंकि x है, ठीक। तो आप क्या करेंगे डी टी बाई डी एक्स का डी टी बाई डी टी का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो d बाई डी टी साइन टी इंटू का डी टी बाई डी एक्स साइन टी का, और डी टी बाई डी एक्स निकाल चुके हैं कितना आया है 2x, तो हम 2x आगे ले लेते हैं
और cos t की जगह पे मान रख दें x स्क्वायर प्लस 5, कोई दिक्कत ना। लेकिन अब इसमें इतना लंबा लेकर नहीं जाएंगे हम ना, अब कैसे करेंगे इसी को फिर से देखो। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लें, दिख रहा है साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक। इसको माने t, हो गया साइन t, साइन t का सर जी कास टी, कास टी, और जिसको t माना जाएगा उसका एक बार अलग से भी चिपकाया जाए, ठीक है। तो क्या आएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये देखिए एंगल है, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सामने आता है इधर, तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस का 0 नहीं लिखेंगे, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। एक दो तीन, इतना लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको या तो एक नंबर में या तो दो नंबर, कोई दिक्कत भी, पहला सवाल कन्फर्म है। दूसरा सवाल क्या है पढ़िए, कास साइन एक्स है, क्या है कास साइन एक्स, देखते चलो भैया कास साइन एक्स, मिटा दूं, मिटा दूंगी, लिखेंगे आप लोग मिटा दें, समझते चलिए, घर पे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बड़े क्वेश्चन आप करिएगा, ऐसा नहीं है कि बस सर जी हो गया। हाँ ये देखिए लिखा है, इधर से लिखें d by dx, आप क्या लिखा है cos sin x, cos sin x। अब एक बात बताइए सर जी, cos x होता तो सीधे कह देते cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, लेकिन यार ये बीच में है x नहीं है sin x है, तो sin x को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे t, तो क्या हो जाएगा cos t, sin t को क्या मानेंगे आप, sin t को, sin x को क्या मानेंगे t, तो हो जाएगा cos t, तो cos t का क्या होता है माइनस साइन t, और जिसको t माना जाता है उसका एक बार अलग से भी किया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, तो इंटू में दिखाएंगे ऐसे, या cos x आप आगे लिखना चाहते हैं तो आगे लिख लीजिए, ये भी आंसर सही है, या cos x को आगे लिख लीजिए तो आएगा cos x माइनस आएगा और साइन साइन एक्स, ये समझ में आया भाई, क्या हुआ क्या किया गया। अच्छा लिखेंगे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसका नहीं पता रहता है उसको टी मान लेते हैं और अवकलन करके टी का अलग से भी एक बार चिपका देते हैं अवकलन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, लो कुछ भाई इसका आपको अवकलन करना है, अवकलन करना है तो लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, किसको टी माना जाए, ए एक्स प्लस बी को टी मान लिए तो हो गया साइन टी, तो साइन टी का अवकलन यहाँ लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ ये टी हो गया, तो साइन टी का क्या होता है कॉस टी, तो कॉस टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और जिसका टी माना जाता है उसका एक बार अलग से भी चिपकाया जाता है, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का ए आएगा बाहर और एक्स का वन, ए आएगा बाहर एक्स का वन, और बी क्या है नंबर कोई संख्या है तो इसका क्या आ जाएगा जीरो, आंसर क्या आ गया ए कास ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत। अब ये समझ में आ रहा है ना कैसे टी माना जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, sec ब्रैकेट में tan root x, हाँ ये थोड़ा लंबा होगा, क्या लिखा है sec ब्रैकेट में tan root x, इधर देखिए भाई आप लोग मिटा दो इसको। अच्छा ये वाला आप नोट करिएगा, ये वाला जो बताने जा रहे हैं ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो बार मानना पड़ेगा। चलिए क्या लिखा है बता दीजिए एक बार हमको, टैन रूट एक्स, सेक ब्रैकेट में टैन रूट एक्स, तो हमको अगर सेक एक्स पूछा होता डायरेक्ट,
क्या चीज जो है ना वो भी ब्रैकेट में है, कोई नहीं ऐसे भी सही है ठीक। अगर हमको सीधे sec x का पूछा जाता तो sec x का अवकलन कितना होता है ना, sec x क्या होता है sec x tan x, sec x क्या होगा sec x tan x, sec x का अवकलन sec x tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्रदीप जी इसको मानेंगे आप t, क्या मानेंगे t, तो हो जाएगा sec t, तो sec t का क्या हो जाएगा sec t tan t और tan t न लिख करके उसका मान लिखेंगे, और जिसको t माना जाएगा उसका एक बार अलग से भी किया जाएगा, तो अलग से करेंगे तो क्या लिखेंगे d by dx of tan root x, कोई कष्ट बेटा कोई दिक्कत ठीक है। अब ये साथ में चलता जाएगा ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर sec tan root x इंटू tan रूट x, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये sec के बाद जो भी बात लिखी जाती है किसी भी sin cos tan sec cosec कुछ भी उसके बाद वाली बात क्या होती है एंगल होता है वो कोण होता है। हाँ अच्छा ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे लिखा है सर जी sin 2x इंटू 2 तो आप इसमें इसका गुणा करा दें ना, ये नंबर है ये आगे आएगा, अगर ये बात ब्रैकेट में होती तब मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन ये बगल वाली बात ये जो है वो क्या है कोण है और ये कोई नंबर है तो दो बाहर लिख लीजिए और साइन टू एक्स ये कोण होता है ठीक, 30 डिग्री 45 जो भी मान होगा। अब देखिए लिखा है सेक टैन एक्स सेक टैन रूट एक्स टैन टैन रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स। अब एक बात बताइए इस ये तो लिख दिए, क्या ये tan x लिखा है, नहीं tan x नहीं लिखा है ना, tan x लिखा होता तो सीधे कह देते sec स्क्वायर x, लेकिन लिखा है रूट x, इसका मतलब हमको फिर यहाँ t मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा, तो tan t का sec स्क्वायर t, तो यहाँ लिख दिया जाए sec स्क्वायर t, और जिसका t माना जाएगा उसका एक बार अलग से भी किया जाए गा, कोई दिक्कत। अच्छा ये लिखा क्या है x के पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो यहां मैं बता दे रहा हूं आपको अवकलन कैसे होगा, यहां देखिए d by dx आप रूट x, तो रूट x का जो होगा d by dx आप x के पावर लिख सकते हैं 1/2, तो x की पावर n ने लिखा है तो n आगे n में से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा d by अब dx ना 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 1/2 आगे और x के पावर 1/2 में से एक घट जाएगा, तो आप देखिए प्रदीप भाई यहाँ आएगा 1/2 और x के पावर में से 1/2 अट्ठन्नी में से एक रुपया घटेगा माइनस अट्ठन्नी बचेगा, तो ये ऊपर माइनस में है ना नीचे जाएगा तो प्लस में, इसका मतलब 1/2 x के पावर 1/2, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 x के पावर 1/2 को रूट x, और ये बात आप रट लीजिए कि वो रूट एक्स का कितना आता है 1/2 रूट एक्स, ये आपका पूरा एकदम नरक मच जाएगा बहुत बार आएगा ये ठीक है, रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, कोई दिक्कत बेटा, तो आप यहां इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसका अवकलन कितना आता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर, लिख रहा हूं sec tan रूट एक्स tan tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, इसका क्या आ जाएगा तो यहाँ पर ऐसे लिख लूँ इसको 2 रूट एक्स, भाई 1/1 है अपन में तो मल्टीप्लाई में ही है, इसको ऐसे लिख, ये आ गया हमारा आंसर, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए विधिवत ठीक, नोट करिए इसको ठीक है, नोट करो ऐसे ही नोट करिए। चलिए भाई आगे देखा जाए, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आ रहे हैं किसमें मल्टीप्लीकेशन में ठीक, इसको मिटा दूं
मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का केस है और आ रहा है आपका दो दो फंक्शन आ रहे हैं गुणे में, उसका जो सूत्र होता है फार्मूला पहले लिख लीजिएगा आप लोग, सूत्र क्या होता है। दो फंक्शन आ रहे हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा भाई, मान लीजिए डी बाई डी एक्स लिखा है फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट भी लिखा है इसी में, सेकेंड भी क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। क्लियर है प्रदीप जी, जब मल्टीप्लाई का केस होगा और दो फंक्शन आपस में होंगे तो फर्स्ट सेकेंड का अवकलन और प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। अगर डिवाइड का केस है प्रदीप, डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट ऊपर और सेकेंड नीचे, तो क्या आएगा, पहले सेकेंड फर्स्ट का अवकलन, पहले सेकेंड फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट सेकेंड का अवकलन बटे सेकेंड का, कोई दिक्कत, ये अंश हर का मैटर है, पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन और हर का, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया है इस वाले पर, लिखा है कि आप d बाई डी एक्स ऑफ करिए एक्स साइन x का, एक्स साइन x, अब दो टर्म है तो आप क्या करेंगे, एक को फर्स्ट मान लेंगे दूसरे को सेकेंड, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकेंड, क्या हो जाएगा, पहले इसको फर्स्ट मान लिया जाए इसको सेकेंड, तो पहले फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स तो एक्स रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रहेगा और एक्स का वन, तो वन मल्टीप्लाई नहीं, सीधे सीधे ये हो गया हमारा आंसर। प्रदीप भाई को दिक्कत है, दूसरा क्वेश्चन प्रदीप जी बताइए, डी बाई डी एक्स आप लिखा है एक्स टैन एक्स, क्या लिखा है, एक्स टैन एक्स, क्या होगा बताइए, पहले फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, दो टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट है सेकेंड है, तो पहले फर्स्ट फार्मूला आप लिख लीजिए एक बार, क्या होगा फर्स्ट सेकेंड का, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। देखिए कोई भी जब स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं तो हर जगह जो एक बार फार्मूला यूज हो तय बार लिखिए, आप फार्मूला लिखेंगे तब याद होगा, फार्मूला याद नहीं किया जाता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो याद होता ऑटोमेटिक चला जाता है, तो जब भी सवाल लगाइए, शुरुआत के क्वेश्चन जब लगाइए तो वहाँ पर फार्मूला जरूर लिखिए, फार्मूला लिखेंगे याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, पहले फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, बोला पूरा बोलो, यक्स मतलब फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का और फर्स्ट का अवकलन, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये देखिए पहले x आएगा और tan x का अवकलन sec स्क्वायर, क्या जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x और x का one. तो मल्टीप्लाई में लिखिए चाहे मत लिखिए, क्या जाएगा x sec स्क्वायर x और प्लस का tan x। प्रदीप भाई अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया मेरा दूसरा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये तीसरा क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा है आपको ई की पावर एक्स और साइन एक्स, अवकलन करना है ई की पावर एक्स साइन एक्स, जल्दी से करके बताइए भाई, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स लिखा है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, कैसा है फर्स्ट सेकंड वाला मैटर लगेगा, yes, लगाइए फर्स्ट सेकंड का मैटर, हो गया, yes, बताइए भाई आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यही आ रहा है, सॉल्व कर लिया जाए, देखिए पहले फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन, कोई दिक्कत, अब देखिए ई की पावर एक्स का ये मतलब ई की पावर एक्स तो बाहर है, बाहर ही रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रहेगा
और e की पावर x का e की पावर x, तो आप इतना ना ये भाई देखिए कुछ कॉमन अमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? e की पावर x, e की पावर x कॉमन लिया, तो अब बताइए क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस, तो ये लिख लिया साइन एक्स प्लस कोई कष्ट, दिस इज द फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई वाला, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब, अगर यही डिवाइड में हो, अंश और हर में हो, उसका भी देख लेते हैं। सर पेपर में तो ऐसे ही करेंगे क्या चीज, आप लिखेंगे यहाँ पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहिए तो यहाँ चाहिए यहाँ फार्मूला लिख ही देना चाहिए, फार्मूला फर्स्ट सेकेंड का लिख ही देना चाहिए, ठीक है? मिटा दूँ? मिटा दूँ? उत्कर्ष भाई भाई देखे रहना, बम बनेगा ये मत करना सर, आप गलती किए थे। चलिए ये इस पर हो गया, अब इस पर बचा है, देखिए जाइए, ये देखिए भाई आप सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस पर सेकंड वाले पर, जैसे मान लीजिए लिखा है आपको अवकलन करना है d बाई डी एक्स, आप x की पावर 3 लिखा है अपान में e की पावर x लिखा है, ठीक, ये डिवाइड में है, डी बाई डी एक्स इसका करना है, आप क्या लिखेंगे पहले? पहले लिखेंगे हाँ हाँ हर, और डी बाई डी एस आप फर्स्ट अवकलन माइनस फर्स्ट हाँ यक्स क्यूब डी बाई डी एक्स आप सेकेंड का अवकलन ई की पावर यक्स का अवकलन डिवाइड बाई ई की पावर यक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब बेटा देखो ये ई की पावर यक्स का ई की पावर यक्स रह जाएगा, और यक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? थ्री यक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत पर नहीं? माइनस यक्स क्यूब और ई की पावर एक्स का क्या रहेगा? ई की पावर यक्स बटा ई की पावर टू यक्स, भाई पावर के पावर ऐड हो जाता है, आप पावर के पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इसको सही से लिख लीजिए क्या आएगा, ई की पावर यक्स या हाँ ई की पावर एक्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और माइनस यक्स क्यूब ई की पावर यक्स अपान ई की पावर टू यक्स, ई की पावर एक्स कॉमन है ले लेंगे क्या कॉमन, कोई दिक्कत? तो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस यक्स क्यूब अपान ई की पावर टू एक्स, तो ई की पावर टू एक्स से इतना ही लिखो आंसर, आप चाहेंगे तो इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x माइनस टू एक्स, तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस x, e की पावर क्या आ जाएगा माइनस x, ये भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया क्या है अंश और हर का मैटर है, क्लियर है? अब देखिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी अपान कास सी एक्स प्लस डी, थोड़ा ध्यान से समझ के करिएगा, ये क्वेश्चन आपको करना भी है, ये तो इजी था, ठीक, मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ अनूप, मिटा दिया जाए? चलिए चलिए हमको यहाँ बताइए जरा क्या लिखा, क्वेश्चन बता दो बेटा, साइन क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी ना, सी एक्स प्लस डी, तो अब बताओ यहाँ लिखेंगे ना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये डिवाइड का केस दिख रहा है, तो जब आप अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हर, हाँ। क्या लिखेंगे हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंश क्या लिखेंगे अंश, अंश का अवकलन ना, फिर माइनस अंश अंश और डी बाई डी एक्स ऑफ हर का अवकलन, बेटा देखिए ध्यान दे के समझना, ये बम बनेगा मैं नहीं जानता हूँ, डिवाइड बाई हर का कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, चाहिए यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब जरा अब देखो कुछ मैटर भाई ध्यान से समझिएगा, इधर से देखिए यहाँ पर कास यही रहेगा सी एक्स प्लस डी ही रहेगा,
अब साइन यक्स अगर लिखा होता, साइन यक्स लिखा होता तो हम सीधे कह देते सर जी कास यक्स, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी ना, तो इसको क्या मान लेंगे टी, क्या मान लेंगे टी, तो क्या हो जाएगा साइन टी, साइन टी का क्या होता है साइन टी का कास्टी, साइन टी का कास्टी, तो हो जाएगा